कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को तथा यह घंटी पर क्लिक अवश्य करें नया ज्ञानवर्धक वीडियो सर्वप्रथम देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। मनुष्यों के साथ ग्रहों के संबंधों की व्याख्या इसी आधार पर की जाती है। यूं तो प्रत्येक अवस्था में मनुष्य इन ग्रहों से प्रभावित होता है, किंतु जन्म के समय ग्रहों की स्थिति जातक को अत्यधिक प्रभावित करती है। ग्रह जनित दुष्प्रभावों को कम करने या समाप्त करने के लिए शास्त्रकारों ने मंत्रों को अति प्रभावशाली बताया है। कुछ ऐसे उपायों की जानकारी भी भविष्य कथन करने वालों के ग्रंथों में प्राप्त होती है, जो साधारण दिखने पर भी असाधारण चमत्कारी होते हैं। ग्रहों का परिचय व्रत विधान, यंत्र मंत्र, दान स्नान, रत्न धारण आदि से संबंधित जानकारी आज हम आपको बताएंगे। बृहस्पति ग्रह परिचय। बृहस्पति को काल पुरुष का ज्ञान माना गया है। ग्रह मंडल में बृहस्पति ग्रह को मंत्री का पद प्राप्त है। अपनी धुरी पर यह प्राय 10 घंटे में एक चक्कर लगाता है। यह शुभ ग्रह है तथा सुख शांति समृद्धि संपदा एवं प्रतिभा का अधिष्ठाता है। इसकी स्वराशि धनु एवं मीन है। इसे कर्क राशि के 5 अंश उच्चस्थ तथा मकर राशि के 5 अंश तक निचस्थ माना जाता है। यदि इसकी स्थिति प्रतिकूल हो तो जातक को अनेक प्रकार के कार्यों में व्यवधान तथा असफलता ही हाथ लगती है। व्रत विधान। बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण कर भगवान शंकर पर पीली उड़द व चने की दाल चढ़ाएं तथा कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात ही भोजन करें, दिन में केवल एक ही बार। इस व्रत के करने से विद्या धन पुत्रादि अक्षय सुख प्राप्त होते हैं। व्रत रखने वाले को इस दिन केले के वृक्ष की विधिवत पूजा करनी चाहिए। यंत्र एवं मंत्र। यह यंत्र की रचना भोजपत्र पर ही अनार की कलम द्वारा अष्टगंध से की जाती है। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को यह सहज ही दूर कर देता है तथा अशुभ प्रभाव के कारण उत्पन्न रोगों का भी शमन शीघ्र ही हो जाता है। मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। यह बृहस्पति के मंत्र का नित्य 11 माला जाप विशाखा नक्षत्रगत बृहस्पतिवार या बृहस्पतिवार की होरा से प्रारंभ करें। सिद्ध करने के लिए मंत्र का 11,000 जाप करें। मंत्र के नित्य जाप से बृहस्पति का अशुभ प्रभाव शांत हो जाता है। दान एवं स्नान। पीला वस्त्र, शक्कर, घोड़ा, चने की दाल, हल्दी, पीले पुष्प, ताजे फल, लवण, धन के रूप में दक्षिणा, सुवर्ण पत्र, पुखराज तथा कांस्य, इनका दान करने से बृहस्पति का नेष्ट प्रभाव समाप्त हो जाता है। सफेद सरसों, चमेली के पुष्प, गुलर, मैदंती, मुलहटी तथा मधु मिश्रित जल से स्नान करने पर भी बृहस्पति के अशुभ फल बृहस्पति के अशुभ प्रभाव से होने वाली पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त होती है। रत्न धारण। बृहस्पति की महादशा एवं अंतरदशा में पुखराज धारण करना लाभकारी है। पुखराज स्वर्ण मुद्रिका में जड़ा जाना चाहिए, किंतु गुरु चंद्रमा योग हो तो चांदी की मुद्रिका में पुखराज धारण करना चाहिए। 3 रत्ती से कम भार का पुखराज प्रभावी नहीं होता। उपाय। बृहस्पति मंदा हो तो मस्तक, पगड़ी या टोपी पर पीला तिलक लगाएं। सुवर्ण, हल्दी, पीले पुष्प एवं चने की दाल धर्म स्थान में दें। केसर का तिलक करें या नाभि पर लगाएं। भैरव मंदिर में मदिरा चढ़ाएं। अपने पास सोना रखें। बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल तथा हल्दी की 4 गांठें जल में प्रवाहित करें। मंदा असर नष्ट हो जाएगा। रात को सिरहाने, पानी तथा सौंफ रखकर सोएं। नाक को साफ एवं शुष्क रखें। साधु संतों की सेवा करें।
पीपल की पूजा करें, पीपल को पानी दे। यदि बृहस्पति तथा चंद्र साथ हो तो वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं। अपनी आय का कुछ अंश विद्यार्थियों पर खर्च करें। पुस्तक आदि पाठ्य सामग्री देकर उनकी सहायता करें। स्वामी पूजन। बृहस्पति ग्रह के स्वामी हैं प्रजापति ब्रह्मा। यह ब्रह्म ज्ञान के अधिष्ठाता हैं। ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए यह ब्रह्म गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। ओम वेदात्मने च विन्दमहे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ब्रह्मा जी का चित्र सामने रखकर इस मंत्र का 28 लाख जाप करें। दशमांश का हवन कराएं। ब्राह्मणों या विद्यार्थियों को भोजन कराएं। दक्षिणा दे। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि यह जानकारी आप WhatsApp या Facebook जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें सूचित करें। भगवान आपको सफल बनाए तथा उज्जवल भविष्य प्रदान करें। धन्यवाद।